नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शुक्रिया बहुत बहुत। सूद सर, राहुल गांधी फिर से यूएस दौरे पर पहुंच गए हैं। उनको निमंत्रण आता है, कई बार आम की पेटी आती है पाकिस्तान के जरिए या किसी और कंट्री के जरिए, और उसमें ऐसा प्रतीत होता है कुछ लेटर आते हैं और जिसके बिना पर वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं यूएस की। और यूएस से जब भी वो आते हैं, आई डोंट नो इतना कोइंसिडेंस है क्या है, या तो यूएस यात्रा पर जब होते हैं या फिर वहां से आने के बाद 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती है, चाहे वो रेल हादसे हो या फिर कहीं पे कुछ दंगे टाइप हो, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। अब रिसेंटली ही वो वहां पर पहुंचे हैं यूएस में, और वहां से कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनसे लोगों को भड़काया जा रहा है। सबसे पहले मैं एक बयान के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा जो उन्होंने कहा है, जाति जनगणना के बारे में। वहां पे उन्होंने फिर से वो बात कही है, और सैम पिटोदा जो कि वहां पे कांग्रेस के ओवरसीज के चेयरमैन है, उनको पहले हटा दिया गया था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, फिर उनको दोबारा से चेयरमैन बना दिया गया। अब सैम पिटोदा ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं राहुल गांधी पप्पू है, वो पप्पू नहीं है बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है और वो देश की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो जाति जनगणना के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों किया जाना चाहिए या क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात कहूंगा पिटोड़ा की। सैम पिटोड़ा ने कहा है ये पप्पू नहीं है। बिल्कुल, अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है। अब ये बैंकॉक नहीं जा रहे, मुझे पता है बैंकॉक जाके क्या करते थे। राहुल गांधी इस टाइम पे यूएस जा रहे हैं और ये स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। इनके पीछे स्ट्रेटेजिस्ट काम कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिस्ट जो CIA के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए, पहले हम जातरी करना की जनगणना बात अलग कर लेंगे। एक दिल्ली इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के अंदर पीएम मोदी को यूएस ने टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनडायरेक्टली, क्योंकि बहुत सा कंपैरिजन है। जो इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए, जो यूएस के अंदर इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया। यहाँ पे राहुल गांधी को एक किताब दे दी गई नीली सी, लाल रंग की, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। एक ही प्रोपेगंडा था लोगों को भड़काने का, या लोगों को मिसगाइड करने का, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने का। यही काम अखिलेश कर रहे थे, तो यही एक बड़े प्रॉपर तरीके से किया गया। और जब यूएस के अंदर कमला हैरिस और कंपेन कर रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा, यूएस के अंदर इलेक्शन खतरे में है। इंडिया के अंदर भी जब ये बात कर रहे थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, इलेक्शन नहीं होंगे दोबारा से, और यही बात यूएस के अंदर हो रही है। तो बड़ी सिमिलैरिटी है। इसका मतलब है जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा था वो यूएस की मर्जी से, उसके कहने पे हो रहा था। और जब यहाँ पे बात सामने कब आई, अगर इंडिया के अंदर इलेक्शन के अंदर मोदी को पूरी सीटें नहीं मिली, तो उसके पीछे कोई राहुल या अखिलेश का काम नहीं है, उसके पीछे CIA का काम है। CIA ने पूरा दम लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन हुई, इंडिया को नुकसान पहुंचाया, जिसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है यूएस। बांग्लादेश की PM को हटाना, इंडिया को टारगेट करना था। उससे पहले पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया के अंदर घूम रहे थे, जब यहाँ इलेक्शन होता था उनकी आर्मी के लोग घूम रहे थे, और इंडिया ने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की या कोई स्ट्राइक नहीं, क्योंकि इंडिया को पता था या बता दिया था उनकी इंटेलिजेंस से कि सारा का सारा किया जा रहा है पाकिस्तान को CIA के द्वारा, और अगर यहाँ पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती तो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर देते। अब बात यह आती है कि यहाँ राहुल गांधी अमेरिका क्यों गए। देखिए, इससे कुछ दिन पहले की बात है, जेनिफर लैरसन जो हैदराबाद के कौंसुलेट है अमेरिका का, वहां की हेड थी, और वो CIA की हेड स्टेशन की, उन्होंने वहां पे TDP के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की, जो इनकी दूसरी पार्टी है उनसे मुलाकात की, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से बात की जो कांग्रेस के हैं, लेकिन नायडू से नहीं मिली। और उनसे मिलकर के वहां बात की, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई बड़ा एजेंडा चल रहा है, बड़ा गेम प्लान चल रहा है CIA का इंडिया के अंदर। और उसके बाद आप देखिएगा, September 3 को शायद गरसेटी, जो यूएस के इंडिया के अंदर एम्बेसडर है, वो खड़गे से मिलने चले गए, और खड़गे से मिलने के बाद कुछ यहाँ पे कश्मीरी लीडर से मिले। समझ आ गया कि इनका कोई एजेंडा चल रहा है इस टाइम पे, तो ये समझ में आ गया। उसके एक दिन के बाद राहुल गांधी यूएस चले गए, यानी कि वहां पे एक इन्विटेशन भेजा गया राहुल गांधी को अमेरिका जाने का, और राहुल गांधी अमेरिका जाकर के अभी कह रहे हैं कि मैं इंडिया अमेरिका के रिलेशन सुधारूंगा। पहले चाइना की बात करते थे, अब अमेरिका की बात कर गए, ये CIA के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और CIA ने वहां बुलाया, और CIA वहां पे इनको एजेंडा देंगे कि क्या बात करनी है और कैसे क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए इलेक्शन के अंदर, वो सारा का सारा काम किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। और दूसरी तरफ इंडिया लगा हुआ है कि अजीत डोभाल को भेजा इन्होंने रशिया के अंदर, ताकि यहाँ पे वार रुकवाया जाए, जो इस टाइम पे जो बाइडन के एजेंडे के खिलाफ है। तो इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने शेख हसीना को हटाया, इंडिया को नुकसान करके, जून के महीने में, जून 2023 में PM मोदी स्टेट विजिट पे गए थे रशिया यूएस के अंदर, और उस टाइम पे राहुल गांधी वहां खड़े थे, तो उस टाइम पे अमेरिका ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था कि यहां से जाओ, कोई बकवास मत करो। अब उसी आदमी को बुला रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा डिफरेंट हो गया। इनको लगा कि मोदी स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग होगा तो हमको इतना फायदा नहीं होगा, जबकि वो गलती कर रहे हैं।
कि इंडिया मोदी के साथ रहेगा तो आपको सपोर्ट मिल पाएगी, हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, हमारी फोर्सेस स्ट्रांग होगी, अगर यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आर्मी या हमारी फोर्सेस तभी काम करती है जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। गवर्नमेंट कमजोर हो तो आपकी आर्मी और जितनी फोर्सेज हैं कमजोर हो जाती हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस का एक कल्चर है कि जितने भी आर्म्स इंपोर्ट करो उसमें कमीशन लो, और एक बड़े सीनियर कुछ कांग्रेस के लीडर के खिलाफ चार्जेस भी लगे हुए हैं। वाजपेयी के टाइम में चार्जेस लगे थे लेकिन उसको खबर को छुपा दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट से खबर शेयर नहीं की गई। तो इस टाइम पे जो राहुल गांधी गए हैं वो गए हैं ECI पे, एजेंडे पे गए हैं, वहां काम करने गए हैं, बात करने गए हैं। और आप खुद सोचिए कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और आपके राहुल गांधी US के अंदर चले जाए, क्योंकि इनका इलेक्शन इस टाइम पे CIA लड़ेगा, राहुल गांधी का या कांग्रेस का इलेक्शन। अब हम बात करते हैं जनगणना। हाँ, जनगणना की मैं वही पूछने जा रहा था, कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जनगणना जब इतने साल तो पावर में, तब तो जनगणना की कोई बात नहीं कि कौन कौन सी जातियां कितनी कितनी कुछ है। ये एक टारगेट कर रहे हैं पीएम मोदी को, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है पीएम को चैलेंज करने का, पीएम को टारगेट करने का, इनकी पॉलिसी को टारगेट करने का। तो ये उल्टी सीधी बातों के अंदर लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा जी एक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब अमीर आदमी की वेल्थ को दूसरे को दे दो। ये देश को बांट रहे हैं और रिलीजन के ऊपर बांट रहे हैं, जाति के ऊपर बांट रहे हैं। इसी जाति के ऊपर हमको बांटा था ब्रिटिश राज ने, ये शूल कास्ट है, ये नीची जाति का है, ये मिडिल जाति का है, ये ब्राह्मण जाति का है, ऊंची जाति का है, राजपूत है। ये सारा का सारा बंटवारा किया था उस टाइम पे US ब्रिटेन ने, और वही इस टाइम पे खेल रहे हैं काम, वही धंधा इस टाइम पे चलाया जाए राहुल गांधी के द्वारा। अखिलेश भी अब यही काम करेंगे, आपके तेजस्वी भी अभी इसी पे करेंगे। तो अपोजिशन एक एजेंडे पे काम कर रहा है, वो एजेंडा इंडिया का नहीं है, वो एजेंडा है US का, और इंडिया को बांटने का एजेंडा है, इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का एजेंडा है। अगर क्योंकि US को एक इंडिया से प्रॉब्लम जुड़ रहा है मोदी से, कि यहाँ पे उस टाइप से कन्वर्शन नहीं हो रही, यहाँ पे एंटी कन्वर्शन लॉ लाए जा रहे हैं, और US चाहता है कि यहाँ पे जो देश है इसके अंदर लोग बढ़ जाएं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चाहे मुसलमानों के अंदर, लेकिन हिंदू नहीं रहना चाहिए। जैसे साउथ कोरिया के अंदर, वहां पे US की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बुद्धिस्ट कंट्री है, आधी कंट्री US की फोर्सेज की वजह से वहां पे कन्वर्ट हो चुकी है क्रिश्चियनिटी के अंदर। आप देखिए पंजाब के अंदर कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी। नॉर्थ ईस्ट पूरा कन्वर्ट कर दिया, किसने कन्वर्ट किया, CIA ने। तो ये एजेंडे पे काम किया जा रहा है। और ये देखिए ऐसा है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली चाइना और US, कि इंडिया स्ट्रांग बने। जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करा दी थी, क्योंकि वहां पे 71 का वार भी स्टार्ट हुआ था, उसमें भी हमारा बड़ा खर्चा किया गया था। और तीसरी बात है कि सिक्किम, ये छोटी सी कंट्री इंडिया के नेबर के अंदर, वहां पे जो सिक्किम का चोगयाल था या किंग था, उसकी वाइफ थी मिसेस कुक, जो अमेरिकन थी। जैसे मिसेस इंदिरा गांधी को पता चला कि मिसेस कुक के CIA की है, तो इन्होंने सिक्किम पे काम करना शुरू कर दिया और राव को डायरेक्ट किया कि यहाँ पे कुछ ये हटाओ इनको। तो उस टाइम पे सिक्किम को जैसे मर्ज कर दिया गया। राव का ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ शोर मचा ना कुछ मचा, क्योंकि वो बड़े प्लान तरीके से किया गया था। इसी तरीके से 71 के वार के अंदर US ने 7th फ्लीट भेजी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस वार को 13 दिन के अंदर खत्म करा दिया। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया, इंदिरा गांधी पाकिस्तान अटैक करने वाला, तो इंदिरा गांधी ने प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया। इंदिरा गांधी ने अपने फोर्सेस को हटा दिया था, प्लेन्स को हटा दिया था, पाकिस्तान को कहा कि तुम अटैक करो, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता तो इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देते। और इसी तरीके से अगर इंडिया POK लेता या कुछ और प्रॉब्लम होती तो इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देते। तो लोग बातें करते हैं अपने हिसाब से। इंदिरा गांधी को बेवकूफ नहीं थी, समझदार थी, उसके एडवाइजर सबसे बेस्ट थे। और इस टाइम पे पीएम मोदी ने अगर पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट अटैक थे, वहां कोई काउंटर अटैक नहीं किया, तो पीएम मोदी को US टारगेट करता, क्योंकि इस टाइम पे इनके 2 महीने बचे इलेक्शन के अंदर US के अंदर। और अगर गवर्नमेंट भी वेट कर रही है कि कमला हैरिस हारे या जो बाइडन हारे, गवर्नमेंट चेंज हो, तो इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी आए। अगर ये वहां पे पावर में रहेंगे यानी कि डेमोक्रेट्स, तो इंडिया को नुकसान करते रहेंगे अब भी और अगले 5 साल तक भी। और इनकी प्लान है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए और ज्यादा, इंडिया के अंदर हाहाकार बच जाए, इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी है, वो US को सूट करता है, क्योंकि US अपने यहाँ मर्जी चला पाएगा, US इंडिया की ट्रेड बंद करा पाएगा रशिया के साथ। अगर वो ट्रेड बंद होती है तो यहाँ तो खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे, जैसे बांग्लादेश इस टाइम पाकिस्तान बनने को हो रहा है, उसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया उसी तरीके में आ जाए। और पीएम मोदी को आज अगर उनकी शक्ल देखोगे तो पीएम मोदी बहुत सीरियस लगते हैं आजकल, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी कंट्री के साथ क्या हो रहा है। उनको देश की चिंता है, अपनी चिंता नहीं, अपना क्या, उनके तो बच्चे भी नहीं है, उनका देश सारे उनके बच्चे हैं, वो देश की चिंता करते हैं। राहुल गांधी का क्या है, टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, कभी जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन से मिलकर चले जाते हैं, मेथी से तो नहीं मिलते, कुकी से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। और राहुल गांधी कहते हैं मैं इंडिया अमेरिका के रिलेशन को स्ट्रांग करने जा रहा हूँ,
तुम्हें तो अमेरिका ने जूती मार दी थी जब आप यूएस के अंदर गए थे जून 2023 में, जब पीएम मोदी की वहां विजिट हो रही थी। तो ये जो सारा काम किया जा रहा है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। अब किसी लोगों को समझ नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ अपने सामने रख सकता हूँ लोगों के। अच्छा सूद सर, ये जो कोशिशें की जा रही हैं आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने झुकने से मना कर दिया, ये तो साफ हो गया, इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि मेन इनका पर्पस था मोदी जी स्टेप डाउन करें और ये राहुल गांधी को वहां पे एज ए पीएम बैठा सके, क्योंकि इसकी खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, खुद इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि जनता इनको चुनाव जीत के और वहां पर गद्दी पे बैठा सके। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे राहुल गांधी वहां पे बार बार जा रहे हैं, तो इससे और क्या चीजें क्रिएट करने की आगे कोशिशें की जाएंगी? 2 महीने बहुत ही क्रूशियल है नवंबर में यूएस के चुनाव से पहले, और इसमें बहुत सब कुछ होने वाला है। वो सब कुछ क्या यहाँ पर भारत के लोगों के लिए सबसे बुरा टाइम आने वाले समय में है, या फिर ये सिर्फ लोगों को भड़काकर बांट के, कुछ लोग तो ऐसी बातें कह रहे हैं कि भारत के हिस्से अलग करने के लिए भी काम चल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये 2 महीने कैसे रहने वाले हैं भारत के लिए? देखिए, इंडिया की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, इंडियन ओशन के अंदर है, हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर चाइना की जो ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से करती है। लेकिन दूसरी बात है कि इंडिया बड़ी कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, और अकेली हिंदू कंट्री है, नेपाल एक छोटा सा है, मॉरिशस हमारे साथ खड़े होते हैं, फिजी हमारे साथ है, छोटी छोटी कंट्री है जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि खालिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान को कनाडा सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान छोड़िए, और इस टाइम पे कश्मीर में कौन प्रॉब्लम कर रहा था, कश्मीर में यूएस प्रॉब्लम कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी थे जो कश्मीरी थे यूएस में होते थे और यूएस उनको सपोर्ट करता था, उनको ब्रीफ किया जाता था जैसे हमारी एजेंसी यूएस की CIA को ब्रीफ करती थी कि भाई ये आपके एक कश्मीरी है, इसको आप पाकिस्तान का एजेंट है, इसको रोको, वो हंस के चले जाते थे। लेकिन जब वहां पे 9/11 हुआ तब उनके कान खुले, ये यूएस किसी का दोस्त नहीं है, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर करवाया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो इसरो के चीफ थे या जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको मरवाया, पूरा प्लेन उड़ा दिया 130 लोगों का एक साइंटिस्ट को मारने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर बनना चाहता था। लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर इसलिए किया गया कि लाल बहादुर शास्त्री थे कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियर बनाऊं इंडिया के अंदर, इंडिया को सेफ पार्ट करूँ। इंदिरा गांधी को पावर में इसी लड़ा दी, इन्हीं का हाथ था इंदिरा गांधी के खिलाफ काम साजिश करने का। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान के टुकड़े किए, सिक्किम को इंडिया के साथ मर्जर किया, सियाचिन को इंडिया के साथ मिला दिया, इससे बड़े काम क्या होते हैं? देखिए, आज खालिस्तान का जो इश्यू चल रहा है वो कनाडा और यूएस की वजह से चल रहा है, और दूसरी तरफ 60s के अंदर यहाँ पे साउथ में एजिटेशन चल रही थी, एंटी हिंदी वहाँ पे एजिटेशन चल रही थी, जिसके ऊपर सारी फंडिंग यूएस की तरफ से थी, CIA इस पे काम कर रहा था, तब भी इंडिया को तोड़ने की बात थी। ठीक है, आप इंडिया को तोड़ना चाहते हो, लेकिन मोदी बैठे हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मोदी इंडिया की इकोनॉमी देख रहे हैं, इंडिया के डिफेंसेस देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ 16 सबमरीन्स हैं और चाइना के पास 70 सबमरीन है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास है, 2 इंडिया के पास है। अब हमारी गवर्नमेंट ने एक क्लियरेंस दे दी है, पूरी काम भी शुरू कर दिया गया कि हम 25 सबमरीन बनाएंगे अगले 10 साल के अंदर $31 बिलियन के ऊपर। ये काम कोई राहुल गांधी तो नहीं कर सकता। जब राहुल गांधी यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या था मनमोहन सिंह के टाइम में? ना आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी, ना आपको जूते मिलेंगे, ना आपको हेलमेट्स मिलेंगी, ना आपको आर्म्स मिलेंगे। इंसास राइफल चल रही थी, तो आज हम AK-230 राइफल ले रहे हैं, AK-103 राइफल ले रहे हैं, फिर हम अमेरिका से भी राइफल ले रहे हैं। नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास, तो सारा का सारा हम देश के उसको 400 हम ले रहे हैं इस टाइम पे बना रहे हैं हॉट लेजर गन्स, वो उसको ऑर्डर दिया हुआ। जो हमारे सुखोई प्लेन्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनके इंजन चेंज किए जा रहे हैं, 60,000 करोड़ का उसके ऊपर एक बजट रखा हुआ है जिसके साथ उनके सारे कुछ नए नए इक्विपमेंट लगाए जाएंगे ताकि वो लंबे चलें। इंडिया के पास कुछ प्लेन की शॉर्टेज जरूर है। फिर जो हमारे तेजस बन रहे हैं वो स्लो बन रहा है, स्लो काम है, तो गवर्नमेंट इस टाइम पे तेजस को प्राइवेट कंपनीज को देने को जा रही है ताकि 3 साल के अंदर तेजस की रिक्वायरमेंट पूरी हो, क्योंकि हमारे पास 11 जो इनकी स्क्वाड्रन है वो कम है। तो ये सारा जो डिफेंस, फिर इन्होंने यूपी के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर बनाई है जहाँ पे ड्रोन्स बन रहे हैं, अडानी ड्रोन्स के अंदर इन्वॉल्व है, ड्रोन्स बना रहा है आपका टाटा ड्रोन्स बना रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं देश को संभालने के लिए, देश को बड़ा करने के लिए। और दूसरी तरफ क्या था कांग्रेस के टाइम में, हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे VIP हेलीकॉप्टर को घूमने के लिए, वो भी डील फेल हो गई क्योंकि वहां पर कमीशन की बात थी, वो हेलीकॉप्टर इटली से लिए जा रहे थे। आपने तब कोई प्लेन तो लिया नहीं, कोई टैंक लिया नहीं, हम उस टाइम पे टोटली बैंकक्रप्ट हो गए थे, हमारी जो आर्मी थी टोटली बैंकक्रप्ट हो गई थी, और ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा क्या, पावर में आ जाओ, पैसे बनाओ, पैसे खाओ, मजे करो। राहुल गांधी के साथ साथ अगर अखिलेश यादव झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, लालू यादव झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, इनके पास आज आलिशान मकान पड़े हैं, कहां से है? यहीं से बनाए। केजरीवाल ने तो यहीं बैठ के दिल्ली के अंदर आपका अपना महल बना दिया करोड़ रुपए का। मोदी के पास तो कोई महल नहीं है ना। और इनको यूएस को करप्ट आदमी पसंद है। देखिए क्या होता है कि चाइना भी करप्ट पॉलिटिशियन को पकड़ता है किसी कंट्री के अंदर और उनको पैसे देता, कहते हैं प्रोजेक्ट क्लियर कर लो, प्रोजेक्ट आता है उसमें फंस जाता है वो देश, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। यूएस भी पैसे देता है, यहाँ पे शेख हसीना को हटाने के लिए इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, बिल्टेड ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दिए, आर्मी की चीफ को कहा तुम पकड़ो, तुम जाओ निकालो, इसको सपोर्ट मत करना, तो उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन इंडिया के अंदर आर्मी को परचेज नहीं कर सकते। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर आर्मी को नहीं परचेज कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे दंगे करा सकते हैं, रेलगाड़ियां उड़ा सकते हैं, नक्सलाइट को सपोर्ट कर सकते हैं, मिलिटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश से मिलिटेंट आ जाएंगे, पाकिस्तान से मिलिटेंट आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट घिरी जरूर हुई है, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे सरेंडर नहीं किया हुआ हमारी गवर्नमेंट ने। और इसके पीछे जब लोग कहते थे पहले हमको तीन ढाई दुश्मनों से लड़ना है, एक तो पाकिस्तान, एक तो चाइना और आधे अंदर, आज हमारे पास तीन दुश्मन है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी है इंडिया की अपोजिशन की, वो एक एजेंडे पे काम कर रही है, देश को बर्बाद करने पे, देश का बंटवारा करने के ऊपर, देश पे दंगे कराना, देश के हालात को खराब करना। और पीएम मोदी जरूर अपने रास्ते में लगे हुए अपना काम कर रहे हैं। मतलब कोशिशें पूरी की जा रही हैं देश को बांटने की, देश में दंगे करने की, देश में अराजकता फैलाने की, लेकिन मोदी जी ने सरेंडर नहीं किया है। वो अपने जो टीम है उसके साथ काम पर लगे हुए हैं भारत को बचाने के लिए और भारत को आगे ले जाने के लिए। तो अभी आई थिंक जो पॉजिटिव चीज जो अभी आपने बोली थी कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएंगी, आई वॉन्ट से कि 100% हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका का हित तो अमेरिका का ही रहेगा, लेकिन जो इस तरीके से जो अभी कोशिशें की जा रही है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और भारत अपना काम, अपने देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी आगे कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशा करते हैं कि जो राहुल गांधी वहां पे जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके कर रहे हैं, वो भारत के लोग समझें और जातियों में बंटना, धर्म में बंटना, जो वो इल्जाम मोदी जी पर लगाते हैं लेकिन करते खुद हैं, उसके ट्रैप में लोग ना फंसे। तो आशा करते हैं लोग इन बातों को समझेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए सूद सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा भारत महान है।